fully empty and the time is 9:44. So yeah. So yeah. अभी हम लोग लास्ट बेंच पे क्योंकि लाइट इधर था तो ब्लॉक कर रही थी, तो अभी जाते हैं अपने अपने सीट पे और बाकी मैं रास्ते में मिलूंगा, जहाँ जहाँ रुकेगी मैं वहाँ वहाँ अपडेट देते रहूँगा, तो मिलते हैं रास्ते में। या सो गाइस, वी हैव स्टॉप्ड फॉर फ्यूल ब्रेक, बस फ्यूल ब्रेक के लिए रुकी है और हम लोग अपनी टाकी खाली करने के लिए उतरे। द टाइम इज़ नाउ अराउंड 12:45 और 12:50। नाउ वी विल Now we are in basically ahead Bhiwandi और कल्याण, that passing का हाईवे आता है उसके आगे हम लोग निकले। पेट्रोल पंप पे अभी ब्रेक लिया है, सो मिलते हैं जैसे जैसे अभी जहाँ पर नेक्स्ट स्टॉप आएगा वहाँ पर मिलता हूँ मैं। तब तक के लिए आराम करो और ब्लॉग के मजे लो। या सो गाइस, वी हैव रीच्ड समवेयर आई डोंट नो एंड जस्ट इट्स अराउंड 2:30 इन द नाइट और इन द मॉर्निंग यू कैन से। नाउ जस्ट वी हैड अ टी एंड सम वड़ा पाव, रिफ्रेश आवर सेल्फ्स एंड या वेटिंग फॉर द बस लीव। ओके, सो नाउ जाते हैं अंदर, बस में बैठता हूँ मैं, देखता हूँ और देखते हैं आप किधर रुकते हैं। या सो गाइस, जस्ट रीच इन द होटल एंड द टाइम इज नाउ Above 6:45। हम लोग यहाँ पर पहुँचे अराउंड 5:45 और होटल तक आते आते हमको एक घंटा लग गया, मतलब सीरियसली एक घंटा हम लोग को लग गया क्योंकि चल चल के और आसपास भी होटल देखते रहिए। हम लोग का बेसिकली परमानेंट होटल है जहाँ पर हम लोग जितनी बार भी आते यहीं पर रुकते हैं। और मैं बेसिकली जहाँ पर आया हूँ उस जगह का नाम है शिरडी। फैमिली के साथ हम लोग का अनप्लान ट्रिप बन गया कि चलो शिरडी घूम के आते, तो आ गए। एंड मेरा कुछ फिक्स्ड नहीं था प्लान, मैं बस लास्ट मोमेंट में बस सोचा कि व्लॉग भी करूँगा तो आ जाता हूँ। वैसे भी इतने दिन से किधर ट्रैवल व्लॉग करने का मूड था, तो पहुँच गए इधर, भगवान ने बुलाया हम आगे। तो अभी फटफट फ्रेश होके नहा धो के मंदिर के लिए भाग रहे हैं, तो वहाँ पर तो शूट नहीं कर सकते, ना फोन अलाउड है ना कुछ अलाउड है। सो बेसिकली अभी क्या करते हैं, अभी मैं छोटा सा रूम टूर कराता हूँ आपको, तो देखिए रूम देखिए आप और क्या देखिए यार, 1500 रुपये में क्या मिलेगा। सो दिस इज द बाथरूम, क्लीन, एंड इधर से एंट्रेंस करेंगे तो ये रूम है अपना, हम दोनों भाई का, मम्मी पापा बाजू में, इतना बड़ा काज जो बहुत ज़रूरी है। सो या अभी मैं जाता हूँ, फटफट रेडी होता हूँ वरना फिर लेट हो जाएगा और नींद भी आ रही है, लेकिन अभी क्या कर सकते हैं, जाना पड़ेगा, जाके आके फिर सो जाएंगे दोपहर में खाना खाने के बाद, क्योंकि फिर रात में निकलेंगे या तो देखते हैं सुबह 10 बजे या 11 बजे की बस लेंगे, तो देखते हैं जैसा होएगा मैं अपडेट देते रहूँगा। तो स्टे ट्यून्ड एंड ये ब्लॉग कंटिन्यू रहेगा आज सुबह का भी, तो बाय बाय, मिलते थोड़ी देर। बोल या सो गाइस, बैक इन द होटल एंड जस्ट ब्रेकफास्ट वगैरह करके चेंज करके बस सोने की तैयारी में, क्योंकि इतनी नींद आ रही है हम लोग को। और अभी तक बस का कुछ फिक्स नहीं हम लोग का आने का, बिकॉज आज का मतलब जाने का, क्योंकि बस का प्रॉब्लम है, यहाँ से सारी बस फुल दिखा रही है, तो शायद देखते हैं ऑनलाइन से बुकिंग हो जाए तो अच्छी बात है। फिलहाल के लिए मैं जा रहा हूँ सोने, शाम में मैं शिरडी टूर कराऊँगा, टूर मतलब मार्केट में जाऊँगा, एक्सप्लोर करते आपको मार्केट दिखाता हूँ मैं आप लोग को शिरडी का। वैसे जितने लोग आते हैं यहाँ पर मुंबई से उनको तो पता ही रहेगा, लेकिन जो व्लॉग ये मुंबई के बाहर से देखेंगे और जो अभी तक नहीं आए हैं शिरडी, बहुत सालों बाद आए हैं, तो क्या क्या चेंजेस हुआ है वो सब मैं भी दिखा दूँगा। और मिलते हैं शाम में, अभी सोते हैं ठीक है। या सो गोइंग डाउन द हैच, इट्स द टाइम इज लाइक 3 PM एंड I'll show you what I'm doing. We are going towards the Prasad side, जहाँ पर प्रसाद वाला खाना मिलता है, and लेकिन सिर्फ ऑटो में जाएंगे, मज़े करेंगे, तो बस सब कुछ मज़ा आ रही है एकदम झकास।
Yeah, so we have reached where we have eat and that's a ticket lena padta to jaa rahe hmm? Three ticket phir bhi lena to padta hai na link. So line में लगे हुए करीबन 10 मिनट से एंड ये सिर्फ खाने के लिए लाइन है. ऊपर पेड़ वाला है लेकिन पेड़ वाले में इधर फ्री मिलेगा. तो अंदर आ चुका हूँ एंड ग्लास दिया जा रहा है. So guys, just reached गणपति के मंदिर. गणपति का दर्शन करने जा रहे हैं हम लोग. So yeah. So this was the temple. अंदर फोटो वीडियो कुछ अलाउड नहीं किया है तो वापस दूसरे साइड सीन पे जा रहे हैं. मतलब शायद से दूसरे टेम्पल पे जाएंगे. सो बुक की वजह से मैं कैमरे पे देख नहीं पा रहा हूँ प्रॉपरली इसके साइड से देख रहा हूँ. एंड सो फार सो गुड. मज़ा आ रहा है बहुत. गाँव वाली फीलिंग आ रही है बहुत अच्छी. या तो यहाँ का भी दर्शन हो चुका है. अभी हर जगह कैमरा अलाउड नहीं कर रहे और इतनी शांति बड़ी जगह है कि मज़ा आ रहा है. और ऑटो का आवाज़ आई नो डिस्टर्ब कर रहा है बट क्या कर सकते हैं, थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर लो. अभी जाते हैं दूसरे जगह पे. अगर वहाँ पर कैमरा अलाउड रहा तो आई विल डेफिनेटली चूज. या सो गाइस, डन विद द सेकंड थर्ड टेंपल प्रोबली. एंड अभी हम लोग जा रहे हैं किधर और दूसरी जगह पे. पहली बार मैं इतना टेंपल घूम रहा हूँ शिरडी में, वरना हर बार आता था एक मंदिर घूम के फिर निकल जाता था. एंड दिस इज़ द टेंपल. तो या जाते दूसरे तीसरे जगह पे वहाँ पर भी घूमते हैं. या सो वी हैव रीच्ड सम हिस्टोरिकल प्लेस. कोई तो पेड़ है बाबा के ज़माने का. सो यस, हम लोग वहीं पर हैं और घूम रहे हैं. एंड दिस इज़ द ट्री बेसिकली. इट्स लाइक आई डोंट नो कितने साल पुराना है. तो मैं बोर्ड पे आपको दिखा देता हूँ तो आप वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हो. Now, yeah, so we are enjoying and
as you can see, this area is very peaceful, pura gaon wala feeling hai, na zyada pollution na population, pura shanti shanti, and scenery to aap dekh hi sakte hai, kitna sundar view hai. और मैं इंस्टाग्राम पे पोस्ट भी करूँगा बहुत सारे फ़ोटोज़ सीनरी के, तो प्लीज़ फॉलो करो मेरे को इंस्टाग्राम पे और लाइक ज़रूर करना. एंड या नाउ वी आर लीविंग सम अनदर प्लेस बिकॉज सूरज ढल गया, अभी कुछ ही देर में अंधेरा हो जाएगा तो कुछ मैं शूट नहीं कर पाऊँगा. तो देखते हैं, अगर कुछ शूट करने लायक रहा तो फटफट करूँगा, वैसे भी बैटरी लो है फ़ोन की. तो खेलते हैं थोड़ी देर में. यहाँ से गाइज जस्ट रीच्ड ओल्ड शिरडी. ओल्ड शिरडी मतलब यहाँ पर पुराने ज़माने में साई बाबा कैसे रहते थे वहाँ, वो दिखाया गया है. लेकिन अंदर एंट्री फीस है और धीरे धीरे अंधेरा भी हो रहा है, तो हम लोग अंदर से आने की कोशिश तो नहीं कर रहे, तो हम लोग अंदर नहीं जाएंगे फिलहाल. अभी यहीं पर से देखते हैं बाहर से जो मैं दिखा सकता हूँ, वही है बस, और कुछ नहीं. पूरा अंदर गार्डन टाइप है. और ट्रेन राइड भी है इधर दर्शन के लिए, ट्रेन राइड. नेक्स्ट टाइम कभी भी आएंगे तो यहाँ पर जरूर आएंगे. और फिलहाल के लिए अभी होटल में जाके मैं मिलता हूँ, क्योंकि फोन की बैटरी बहुत कम है. तो बाय, मिलते हैं होटल में. यस गाइस, बैक इन द होटल एंड नाउ वी आर लीविंग फॉर टू बाय सम प्रसाद एंड ऑल. एंड वहाँ से फिर डिनर करके शायद से रात की बस हम लोग लेके सुबह मुंबई पहुंच जाएंगे, क्योंकि ये महाशय का एग्ज़ाम है और हम लोग को थोड़ा जल्दी पहुंचना भी पड़ेगा. इसके लिए मंडे से इसका रेगुलर स्कूल और एग्ज़ाम है. सो या अभी जाते हैं खाना खाते हैं और आपको नीचे दिखाता हूँ मैं नीचे क्या क्या मिलता है. वैसे आप लोगों को पता ही रहेगा क्या क्या मिलता है, तो मैं सोच रहा हूँ क्योंकि ये वीडियो वैसे भी बहुत स्ट्रेच हो रहा है. तो मिलते हैं कुछ ही देर में. पानी पूरी एंड स्टफ मम्मी पापा हम लोग को नहीं खाना है, तो हम लोग बस ऐसे ही घूम रहे हैं, चश्मे वगैरह देखते हैं और बस डिनर करेंगे. उसके बाद 10 बजे की बस है शायद, तो फिर वापस घर जाएंगे. या सो गाइस, बैक टू द होटल एंड दैट्स इट फॉर दिस व्लॉग. आई नो ये थोड़ा लॉन्ग व्लॉग हो गया, क्योंकि मैंने सोचा कि दोनों दिन का कंबाइन करूँगा. हम लोगों ने सोचा कि एक और दिन रुकने वाले, बट नहीं, आज रात में निकलना पड़ रहा है हमको. सो इसके लिए बस में मैं कुछ शूट नहीं कर रहा हूँ, सीधा सुबह पहुँचूँगा. वैसे भी थके हारा हूँ क्योंकि कल पूरी रात नहीं सोया, आज भी सिर्फ 4-5 घंटे ही सोने मिला. तो या दैट्स इट फॉर टुडे एंड होप यू इन्जॉयड दिस व्लॉग, क्योंकि मैं ऐसे ऐसे जगह पर गया जिधर मेरे को पहली बार मालूम पड़ा. तो अगर आपको अच्छा लगेगा वीडियो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना. प्लीज़ सब्सक्राइब करो, जो भी नया इस वीडियो को देख रहा है सब्सक्राइब करके ही जाना. एंड वी वर स्टेइंग इन होटल साई द्वारिका, नीता बस स्टॉप के बाजू में ही है मंदिर, इधर से सामने ही है, ज़्यादा दूर नहीं मंदिर भी यहाँ से. सो या बाय एंड डू व्हाटएवर यू वांट बट राइट थिंग्स. मिलते हैं बहुत ही जल्द.